हज, हज इस्लाम के अहम तरीन वाजिबात में से एक वाजिब, उन चंद गिने चुने वाजिबात में से एक वाजिब कि अगर कोई हज का इंकार करे कि मैं हज को मानता ही नहीं, तो मौजूदा मराजे के फतवे में तो वो काफिर हो जाता। काफिर होने के लिए खाली खुदा का मजाक उड़ाना ही काफी नहीं। काफिर फकत उसी को नहीं कहते जो रिसालत का इंकार कर दे, काफिर कम अज कम मौजूदा मराजे का फतवा, यही जरूरियात दीन का मुनकर भी काफिर। हज जिसके बारे में हमारे सामने बिल्कुल वाज़े नस मोतबर कि जिस पर हज वाजिब, मन मा कवलम यहूद मा का यहूदी जन और नसरानी जन, जिस पर हज वाजिब था और उसने हज नहीं किया, जब मरेगा तो न इस्लाम की मौत है न ईमान की मौत है उसकी मौत, या यहूदी की मौत या ईसाई की मौत। हज जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम का फरमान है कि हज न करने वाला, जब न कोई दुश्मन रास्ते में रुकावट था न कोई जालिम हुक्मरान, पैगंबर की हदीस, फिर भी इसने हज नहीं किया इस्तेदाद के बावजूद, कयामत के मैदान में जब ये उठाया जाए मैं इसे अपना कलमा पढ़ने वालों के सफ में न खड़े होने दूंगा, पैगंबर राजी नहीं कि यह आदमी उस सफ में आके खड़ा हो जाए, इतना अहम तरीन परिजन। लेकिन एक बुनियादी मसला आपके सामने पेश करना, जैसा कि मैंने परसों कहा कि मजालिस का मिजाज मसाइल के मिजाज से मुख्तलिफ, लेकिन मिसाल के तौर पर एक मसला, तौबा करने वाले दीन के रास्ते पे आने वाले एक बड़ी तादाद हमारे यहां ऐसी जिन पर हज वाजिब हो चुका है और वो अपने इसी ख्याल में खोए हुए हैं कि हम पर हज वाजिब नहीं। एक अजीब लफ्ज आता है हज के सिलसिले में, हज का इस्तकरार, गुफ्तगू को सहल भी रखना, मसले को आप तक पहुंचाना भी। हज एक ऐसा वाजिब फरीजा कि एक मरतबा अगर किसी पे वाजिब हो गए और उसने किसी भी वजह से हज को अंजाम नहीं दिया, अब ये माफ नहीं हो, जिंदगी भर वाजिब रहे, यहां तक ये इंसान गरीब हो गए, यहां तक ये इंसान फकीर हो गए, यहां तक के इंसान की हैसियत ही ना रही कि हज पे जा सके। यही तो मंजिल है जहां किताबों में मसला लिखा कि भीख मांग कर भी जा सकते हो तो हज पर जाना वाजिब, अगर पहले वाजिब हुआ था और तुमने तवज्जो नहीं दी। बल्कि बाद मुश्तहदीन तो इसके आगे का भी एक मसला लिखते हैं और वो ये कि अगर किसी पे हज वाजिब हो गए, उसने तवज्जो न दी लेकिन मरने से पहले उसको पता चल गया मसला, तो तकरीबन सारे मराजे कहते हैं कि आप किसी तरह सही तुम्हें हज पे जाना, यहां तक कि भीख मांगना पड़े तो भीख मांगना वाजिब, यहां तक कि अगर किसी की नौकरी करना पड़े जो हज पे जा रहा तो भाई आपके रास्ते के काम कर दूंगा तो वाजिब, ऐसी नौकरी इख्तियार करो वहां तो पहुंच जाओ। अगर खुद इस आदमी को मरने से पहले पता चल जाए, चाहे हैसियत न रहे फिर भी जाना, और एक कैफियत ये कि एक आदमी पे हज वाजिब, उस बेचारे को पता ही नहीं चला और वो मर गए, तो बाद मराजे कहते हैं कि इसके वारिसों पर वाजिब रहेगा कि इसका हज करवाए। अब मैं ये नहीं, मैं किसी मुश्तहिद का फतवा इस वक्त नहीं बता रहा हूं, इसलिए कि मेरे इस मजमे मुख्तलिफ मराजे के मुकल्लिस, मुझे पता यहां आयतुल्लाह गुलपायगानी के मुकल्लिस भी, यहां आयतुल्लाह इराकी के मुकल्लिस भी, यहां आयतुल्लाह सब्दवारी के मुकल्लिस भी, और मैं जानता हूं कि यहां आयतुल्लाह सिस्तानी के मुकल्लिस भी, मुख्तलिफ मराजे के मुकल्लिस। मजलिस का वक्त कम, मसाइल की वैसे ही गुंजाइश में चार चार फतवे बयान किए जाए बात बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सिर्फ इतनी गुजारिश करते कि आपका मर्जी क्या कहता, या उनकी किताब में देखिए या उनके किसी नुमाइंदे से पूछिए, लेकिन एक सरसरी मसला, तौबा करना, मगर तौबा उसी वक्त इंसान कर सकता है जब उसे अपने गुनाह का इल्म। हज जैसा फरीदा एक दफा किसी के पास पैसे आ गए और हज के महीनों में रहे, बाद में चाहे पैसे हाथ से चले भी गए, बीमार पड़ा, अस्पताल में दाखिल हुआ, लंदन में ऑपरेशन कराना पड़ा, बेटी की शादी का मसला आया, बेटा जेल में गया उसको जेल से छुड़वाना पड़ा, बहरहाल अगर हज के महीने में पैसे थे बाद में इंतहाई जरूरी काम में भी खत्म हो गए, हज वाजिब रहेगा,
मरने से पहले जब पता चल जाए जाओ, और अगर मरते दम तक पता न चले तो अपने मर्जी का फतवा मालूम करें। लेकिन अक्सर मराजे कहते हैं कि वारिसों की जिम्मेदारी रहेगी। अब आइए इसकी मिसाल, इसकी मिसाल हमारे यहां हज से मुतालिका जो गलत फहमियां उनका बयान ही अगर शुरू कर दिया जाए तो 3-4 मजालिस इसके अंदर खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक छोटी सी बात कि आज के सिलसिले में एक अहम मसला ये कि अगर किसी इंसान के पास कोई ऐसी चीज है जो आज उसकी जरूरत की चीज है, ठीक है, हज वाजिब नहीं, लेकिन फिर ऐसा जमाना आया कि इस चीज की उसको जरूरत ना रही, बेकार तो कोई चीज नहीं, फिलहाल जरूरत नहीं, आइंदा का इरादा रखा हुआ, इस आदमी पे हज फौरन वाजिब हो जाएगा। बात वाजे नहीं है। अब सुन, हमारे माशरे यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हद तक औरत जवानी के जमाने में जेवर जरूर बनवाती है और जेवर को जरूर इस्तेमाल करती है। शरीयत ने भी कहा कि अगर माहौल ऐसा हो कि जेवर का न होना नंगो आर का सबब बने और उस घराने की तौहीन समझा जाए तो ये जेवर औरत की जरूरत है। चुनाचे जेवर पे न सदात वाजिब है न खुम्स वाजिब। अगर इतना जेवर है जो अपनी हैसियत के मुताबिक है और इस्तेमाल हो रहा, चाहे साल में एक मरतबा ही पहना जाए, न जकात है न खुम्स, जेवर की बात, सोने चांदी की जकात अपनी जगह मगर जेवर उसमें नहीं। अच्छा, अब जवानी के जमाने में जेवर इस्तेमाल की चीज, लेकिन उम्र का एक मरहला आ गए, अब इस औरत ने जेवर पहनना छोड़ दिया, और अगर जेवर पहना भी जाता है तो बहुत मामूली, तो आग की निशानी के तौर पे फर्ज कीजिए कि नाक की चीज, फर्ज कीजिए कि हाथ में एक आस्तूरी, लेकिन जिस अंदाज से सर से पैर तक सोने में पीली होती थी जवानी में, बहरहाल बुढ़ापे की मंजिल आ गई, अब इस तरह से जेवर पहनना ना अच्छा लगता और ना ही उसको आदत। मगर जेवर जेवर बेकार चीज नहीं है कि इसको उठा के फेंक दिया। अब ये जेवर रखा गया, मुझे नहीं मालूम कि आप हजरात के घरानों में क्या होता, लेकिन मसलन जिस कल्चर से मेरा ताल्लुक है वहां पे एक औरत बुढ़ापे की मंजिल पे पहुंची जेवर महफूज, बेटे की शादी होगी बहुओं को जेवर चढ़ाया जाएगा, बेटी की शादी होगी उसके जहेज में इसको शामिल किया जाएगा, 2-4 साल के लिए ये जेवर उठा के रख दिया और आइंदा का प्रोग्राम है कि ये जेवर कहां इस्तेमाल हो रहा। लेकिन जैसे ही वो उम्र आ गई कि अब औरत ये जेवर नहीं पहनती और इस दौरान एक भी हज का साल गुजर गए, इस औरत के ऊपर हज वाजिब हो गए। इसलिए ये उसूल वही चल रहा कि जेवर तुम्हारा जब तक तुम्हारे इस्तेमाल में था ये जरूरत की चीज, अब इस्तेमाल में ना आया, हमने एक फ्लैट के बाद दूसरा फ्लैट खरीद लिया, उसमें शिफ्ट हो गए, पहला फ्लैट अभी खाली, सोचा कि मौका मुनासिब देख के इसको बेच देंगे, उससे पहले हज आ गया, हज वाजिब हो गया हज, इसलिए कि अब ये जरूरत की चीज ना रहा और 1-2 लाख-3 लाख की जायदाद खाली पड़ी, हज वाजिब हो जाता। हज खाली कैश पर वाजिब नहीं, ऐसा मसला नहीं कि पैसे रुपए पैसे हो तो हज वाजिब ही नहीं, मकान जरूरत से जायद है, गाड़ी हैसियत से जायद है, बेवर हैसियत से जायद है, हज वाजिब। और जैसा कि मैंने कहा कि मकान में तो ये हो सकता कि सारी जिंदगी उसी मकान में रहे, गाड़ी में हो सकता सारी जिंदगी वही गाड़ी इस्तेमाल करे, मगर हर औरत की जिंदगी एक वक्त आता है कि जेवर बुढ़ापे की वजह से वो पहनना छोड़ देती। अब अगर ये दोनों वाकयात साथ साथ पेश आ गए कि जैसे ही उसकी उम्र आ गई जेवर न पहनने, वैसे ही उसकी बेटियों की शादियां हो गई, उसके बेटों की शादियां हो गई, इधर जेवर पहनना छोड़ा उधर बहुओं और बेटियों में तकसीम कर दिया, तो बच गई औरत हज से। लेकिन अगर एक साल भी बीच में गुजरा कि जेवर पहनना अब कम किया है, एक साल के बाद भी जेवर तकसीम हो रहा है बहुओं और बेटियों, पहले हज वाजिब है बाद में बेटी का जेवर, बाद में बहू का जेवर, पहले हज वाजिब। और एक असल बात मुझे बयान करना, ये मसला तो आजकल का है, लेकिन आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले, आज से 40 साल पहले जब लोगों को इतने मसाइल नहीं पता था और हज का खर्चा बहुत कम था, आज 45,000 का खर्चा, लेकिन 20-25-30 साल पहले 5,000 और 4,000 के अंदर हज हो जाता था। कितनी ही हमारी खवातीन ऐसी, हमारी नानियां, हमारी
दादियां, हमारी माए, हमारी माला, हमारी धूप, कि वो जब उस मंदिर पर पहुंची जब जेवर कम पहनती, उस वक्त हज का खर्चा इतना कम था कि उनके जेवर से हज हो सकता, मसला नहीं मालूम, किसी बताने वाले ने बताया नहीं या इस सुनने वाली मोमिना ने सुनने से इनकार कर दिया। वक्त गुजर गए, अब वो जेवर भी तकसीम हो चुका, अब अपने हाथ में न कोई जायदाद है न कोई पैसा, लेकिन हज गर्दन के ऊपर इसी तरह से चढ़ा हुआ, हज का फरीजा अपनी जगह वाजिब रहेगा, हज को अंजाम देना पड़ेगा। आइए रोजे के मसले, एक इंसान पे रोजा वाजिब, जवानी में रोजा न रखा, बुढ़ापे की मंजिल आ गई, अब जिस्मानी एतबार से रोजा रखने के काबिल न रहा, बीमारियों में मुब्तला हो गया, रोजा रख नहीं सकता, शरण इस पे रोजा स्थापित। इसके इंतकाल के बाद इसके बड़े बेटे पे जिम्मेदारी आ सकती होगी, लेकिन अब खुद इस आदमी पर जो रोजे का वक्त था उस वक्त गुनाह किया, जब तौबा कर ली जिस्म में ताकत न रही रोजा स्थापित हो गया। अब ये नहीं कि जिसे में ताकत नहीं है फिर भी रोजा रखो चाहे मर ही क्यों ना जाओ क्योंकि गलती तुम्हारी, नहीं ऐसा नहीं। एक आदमी के पास पैसा था, खुम्स वाजिब था, उस वक्त उसने ख्याल ही न किया कि खुम्स किसे कहते, और सारा पैसा लुटा दिया। अब तौबा कर रहा है कि मैंने गुनाह किया, लेकिन पैसे ही नहीं, खुम्स दे तो कहां से दे, इसका गुनाह माफ हो जाता। बहुत ज्यादा अगर एहतियात करना तो मुश्तहिद के वकील से राब्ता कायम कर लो, बगैर कुछ पेमेंट किए खुम्स माफ हो जाएगा। शर्त यह है कि पैसे देने की हैसियत ही नहीं। आइए वाजिबात इस्लामी का जायजा लेते चले, जितने भी अहकाम इस्लामी। एक औरत, बात औरतों की हो रही, जवानी जब उसे हिजाब करना था तो बेहिजाब रही, अब बुढ़ापे में आ गई, बुढ़ापे में एक मंजिल ऐसी आती जब पर्दा स्थापित, उस मंजिल पे आ गई, अब तौबा कर रही, तो क्या ये हुक्म है इस्लामी कि क्योंकि 10 साल जवानी के बेपर्दा गुजारे अब बूढ़ी हो गई, तुम्हारी ही जैसी हालत दूसरी औरत की होती तो पर्दा माफ, मगर 10 साल तुम्हें अब पर्दा करना इस बुढ़ापे में ताकि जवानी की कजा हो जाए, नहीं ऐसा मसला नहीं, वो बात ही खत्म हो गई, अब पर्दा क्या करें। लेकिन हज ऐसी इबादत नहीं, 1965 में इतना जेवर था कि हज पे जा सकती, और वो उम्र आ चुकी थी कि हज पर के जेवर पहनना कम कर दिया, उस वक्त ख्याल नहीं किया, 1970 तक सारा जेवर भी गया, पैसे भी गए। अब 1993 में ये औरत खाली हाथ बैठी, हैसियत ही नहीं है, हज पे जाए तो कैसे जाए, हज अपनी गर्दन पे बांधी। ये रोजे की तरह का मसला नहीं, ये हुम्स की तरह का मसला नहीं, ये हिजाब की तरह का मसला नहीं, ये अब ताकत ना रही, अब हैसियत ना रही तो अब वो माफ ही नहीं। जाना पड़ेगा चाहे भीख मांग के जाओ, जाना पड़ेगा चाहे सहमतें उठा के जाओ, वो सारे मसाइल तुम्हारे लिए नहीं, वो जो हज के मसाइल है कि जब पहली मरतबा किसी पे हज वाजिब होता, घर वालों का खर्चा भी हो, आने जाने का टिकट भी हो, रास्ता भी खुला हुआ हो, रास्ते में हिफाजत भी हो, सारी बातें, वो नए हाजी पर है, लेकिन तुम तो बहुत पुरानी हाजिया हो, 20 साल पहले तुम्हें हज करना था, वो वक्त निकल गया, हज माफ नहीं होता। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माहौल को देखते हुए, जहाँ तकरीबन हर औरत के पास इतना जेवर तो होता कि आराम के साथ एक हज कर सके, और फिर जो जवानी में खुदा न करे इंतकाल कर जाए उनकी बात दूसरी, फिर एक वक्त आता भी, अब अभी तक हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान वो यूरोप और अमेरिका का माहौल नहीं आया। यूरोप और अमेरिका में 95 साल की बुढ़िया भी तो 16 श्रृंगार करना उसके लिए जरूरी, पूरे मेकअप के साथ और पूरे जेवर के साथ, दफन भी किया जाता है तो मेकअप करके दफन किया जाता इस बुढ़िया को। अभी हमारे यहाँ एक वकार बरकरार रखा है गरीब खवातीन, उम्र का एक मरहला गुजर गया, अब वो जवानों के अंदाज से जिंदगी नहीं गुजारती। तो जहाँ ये दोनों बातें, जेवर भी हर एक के पास होता, उम्र भी है जब एक आ जाती तो जेवर पहनना छोड़ देते, इन तमाम खवातीन का हज वाजिब अब तक उनकी गर्दन पे चला रहा, और अगर इनमें से कुछ का इंतकाल हो गया तो अपने मर्जी से पूछ, कि खुद मरने वाले को अगर मरते दम तक हज का पता न चला, क्या तब भी हमारी जिम्मेदारी है या हमारी जिम्मेदारी नहीं? चाहे आप आगे पायदानी के मुकलद हो या आगे सिस्तानी के, आगे अराकी आपका मर्जी हो या आगे सब्जवारी, मसला उनसे पूछिएगा। लेकिन मैं तो खाली इशारा कर रहा हूँ कि कितनी ही हमारी खवातीन ऐसी जिनके पास कभी जेवर रह चुका, उन सब पे हज वाजिब हो गया था। और ऐसा मसला कि 3 साल पहले इसी बागे जहरा में मैंने अर्ज किया कि औरत का हज कुछ ऐसी चीजें हैं कि औरत पर हज शायद मर्दों से ज्यादा वाजिब होता, बिल्कुल उल्टी बात, तसव्वुर ही यह है कि हज मर्दों को अंजाम देना, हमारे यहाँ की औरत की कमाई क्या, कौन सा सोर्स ऑफ इनकम, कौन सा वो बिजनेस कर
करती, कौन सा वो मुलाजिमत करती। लेकिन शरीयत के एतबार से जब हम देखते हैं तो मसला उल्टा नजर आता है। अक्सर मकामात पर मर्दों से ज्यादा औरतों पर हज वाजिब, इसलिए कि औरत का सारा खर्चा मर्द के कंधे पे डाल दिया गया, औरत पे अपना कोई खर्चा नहीं, लेकिन उसकी आमदनी तो होती। महर, महर औरत का हक है, चाहे वो मांगे या ना मांगे। मगर शरीयत का मतलब कि अगर कभी, अब वो छोड़ दीजिए जईफ खवातीन, शादी का पहला साल, अच्छा असल मसला क्या कि अगर आपका कुछ पैसा है और आपने लोगों को कर्ज दे रखा और हज की तारीख आ गई, आप पर वाजिब है अपना कर्जा वापस ले, सिवाय इसके कि या तो आपने किसी को कर्ज हसाना दिया, कह दिया है कि मैं वापस नहीं मांगू, या ये कि कोई तारीख तय पाई है कि दो साल से पहले नहीं मांगू। वरना ये इतना आसान मसला नहीं है कि आपके हमारा पैसा हम नहीं देते, हमारा पैसा हम नहीं मांगते। आम हालात में आपको हक था, हज की तारीख आ गई आप पर वाजिब, या तो कहीं और से हज करें या अपना पैसा वापस मांगने जाए, उसी में ये महर आता। सारी सारी जिंदगी औरतें महर नहीं मांगती, लेकिन खुद मुख्तार नहीं है कि जी हमारा हक है महर, चाहे मांगे चाहे ना मांगे। आम हालात में ये जुमला सही, हज की तारीख आ गई हज वाजिब, मांगना पड़ेगा महर। महर सेवा मीरास, बाप का इंतकाल हुआ, माँ का इंतकाल हुआ, और यहां भी एक बड़ा मुश्किल मसला आता। यहां पर अलबत्ता फिर मैं कह दू, फतवा मैं नहीं दे रहा हूं, अपने मर्जी से पूछ। बहुत से घरानों में यह रवाज है कि महर है औरत माफ कर देती, न मांगना अलग चीज है, माफ कर दिया। मीरास, बाप का इंतकाल हुआ, पता चला कि बेटियों का भी हिस्सा बन रहा, बेटी ने कहा अच्छा मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए, मैं अपने घर में आराम से हूं, खुशी से हूं, शौहर मुझे हर सुख दे रहा, ये मेरी किसी और बहन को दे दो या भाई दे दे। बाप का बिजनेस है, बाप का मकान है, बाप का पैसा तकसीम कर दिया। आम हालात में तो ठीक, लेकिन अगर हज की तारीखें चल रही तो अक्सर महाराज ये कहते हैं, अक्सर ये हक ही नहीं है अपना पैसा माफ करने, ये हक ही नहीं है कि आप कहें कि जी बाप के फ्लैट से मुझे हिस्सा नहीं लेना। दुनिया तारीफ करेगी, लेकिन वो तारीफ आम हालत में चल जाती, जब वाजिब से टकराएगी तो ये तारीफ बिल्कुल बेकार। आज तारीफ आज का वो बिजनेस, बाप की दुकान, चले भाई चला रहे हैं, भाइयों के चलते हुए बिजनेस में क्यों दखल दो, चले हमने अपना हिस्सा छोड़ दो। छोड़ने का हक नहीं है अक्सर मुस्तहदीन के नजदीक। हाँ ये जरूर कि पहले आप अपने मुस्तहद का फतवा कन्फर्म कर लीजिए, लेकिन मसला मैं बता रहा हूं ताकि इसके बाद तहकीक आप खुद करें। एक तरफ दुनियावी एतबार से कितनी तारीफ के काबिल अमल, तो बहन हो तो वैसी कि भाइयों के लिए इतनी कुर्बानी दे दी, मगर शरीयत के एतबार से ये गुनाहगार बन सकती। हाँ ये मसला अगर मुहर्रम में हो, सफर में हो, सबील अव्वल में हो तो चल जाएगा, लेकिन बाप का इंतकाल शव्वाल में हुआ जो हज का महीना, बाप का इंतकाल ज़िलक़ादा में हुआ, बड़ा मुश्किल मसला। महर, महर रजब शाबान में शादी हुई, वहीं हाथ के हाथ महर माफ कर दिया दूसरी बात, लेकिन अगर रजब में शादी शव्वाल का महीना दाखिल हो गया, अब ये औरत महर माफ भी करना चाहे तो माफ नहीं कर सकती, फिर भी अपने मुश्तहद का फतवा पूछ लीजिएगा। लेकिन एक मसला है शरीयत के अंदर, तौबा की जा रही, बुढ़ापे में पहुंच गई तौबा हो रही, और तौबा क्या सोच के की जा रही कि भाई कुछ नमाजें कजा है उनकी तौबा, वो भी गलत तौबा होती है, कल मैं बता चुका हूं। कुछ रोजे कजा है उनकी तौबा, हज का तो पता ही ना चला कि महर के जरिए हज वाजिब हो गया, जेवर के जरिए हज वाजिब हो गया, मीरास के जरिए हज वाजिब हो गया, और अगर पता चल भी गया और तौबा कर ली तो तौबा भी कहा, इसलिए कि हज वो वाजिब है, एक मरतबा गर्दन पे आ गया अब इसको अंजाम देना ही पड़ेगा। बुढ़ापा हो, ज़ईफ़ी हो, कमजोरी हो, गुर्बत हो, माल खत्म हो चुका हो, लेकिन हज साकित नहीं होता, हज माफ नहीं होता। ये इतना अहम फ़र्ज़ है, तौबा की भी जाए तो कैसे, अल्लाह ने नेमत दी है तौबा, अल्लाह ने रहमत दी है तौबा, हमें उसका तरीका इस्तेमाल ही नहीं मालूम। आज मैंने थोड़ा सा वक्त ज्यादा दे दिया, सिर्फ इसलिए कि बस